टाइमर नहीं होता तो लेट्स स्टार्ट विद कुमार विश्वास की एक शायरी है एक कविता है तो आई विल स्टार्ट विद दैट कुमार विश्वास कविता अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कुमार विश्वास पर कविता जब होती है या शेर जब होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है नहीं वाह वाह होती है से शुरू करेंगे तवज्जो दीजिएगा बट आई विल रिक्वायर कि जब मेरा शेर खत्म हो जाए वैसे भी जब उर्दू या हिंदी में कोई भी शेर होता है ना तो मोस्ट ऑफ द गुजराती दे डोंट अंडरस्टैंड एनीवन पर फिर भी वाह तो करेंगे तो वाह आखिर में करेंगे हम तो शेर अर्थ है कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है ये चीज जो ये बात है कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है वो बात है वाइब्रेंट के हम लोगों के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जो होते हैं वो हमको इन्हीं कैटेगरी में रखते हैं कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती के बिजनेस को तो बस वाइब्रेंट समझता है कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ फ्यूचर सुनहरा है तवज्जो दीजिएगा कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ फ्यूचर सुनहरा है ये या पंकिन समझता है या फिर कौशल समझता है सो थैंक यू फ्रेंड्स दिस इज पंकिन परीख और वाइब्रेंट डिस्कॉम का कोफाउंडर तो अगेन बाबा हो जाए वाह वाह अलर्ट रहेंगे लोग क्योंकि चाय कॉफी का दौर 15 मिनट पहले खत्म हो चुका था तो शायद लोग थोड़ा सा सुस्ती में बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस जैसे अभी वाइब्रेंट 3 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समिट 3 तो समिट 3 कैसे इसने शेप अप लिया तो आई विल जस्ट गो बैक इनटू द रूट्स ऑफ दिस कंपनी 2004-05 2004-05 के साल में मैं और कौशल भाई मिले थे एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स उस टाइम भी देयर वाज स्पार्कल्स इन आवर आईज हम लोग कुछ करेंगे लाइफ में I had my own insurance business, उनका कलर का कॉन्ट्रैक्ट से उनका कंस्ट्रक्शन का काम था वी मेट टूगेदर विदाउट एनी कॉमन एजेंडा कुछ लोगों के बारे में सुना था जो सक्सेसफुल थे और मैंने और कौशल भाई ने उस टाइम 2004-05 में हम लोग बहुत सारी जगह पे घूमे वी वेंट टू दिल्ली वी वेंट टू जयपुर कोचीन बेंगलोर और जहाँ पे भी सक्सेसफुल लोगों के सेमिनार्स होते थे हम लोग वहाँ पे जाते थे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर सक्सेसफुल हम लोग भी ये सब लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल कैसे हुए तो उस टाइम हमारी भी थॉट ऐसी थी कि हमको भी सक्सेस पानी है व्हाट वी गॉट आउट ऑफ इट तीन चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट उन सक्सेस सेमिनार से मिली वो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा तीन चीजें थी जो हमने सीखी फर्स्ट वॉज कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या आपकी जो इनकम है वो 100 रुपया अगर आपकी इनकम है वो एक जगह से आ रही है या 10-10 रुपये 10 जगह से आ रहे हैं मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम तो ये हम लोगों ने सुना उनका जो सक्सेसफुल लोग थे अदाणीज को देख लो अंबानीज को देख लो टाटा को देख लो दे आर इनटू मल्टीपल थिंग्स नॉट ओनली सिंगल थिंग 100 रुपया एक जगह से आने से बेहतर है कि 10-10 रुपया 100 जगह 10 जगह से आए और उस तरह से 100 रुपया अपना हो सो दैट थॉट केम हाँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम इज वेरी नेसेसरी सेकंड थॉट जो हम लोग वहां से लेके निकले थे उस टाइम कि किसी भी बिजनेस को जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है आज की तारीख में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है बट फ्यूचरिस्टिक जो बिजनेस हो उसमें अगर बिजनेस किया जाए तो इट विल बी लाइक फ्रूटफुल हां बोल आज से कुछ साल पहले मोबाइल्स नहीं थे जो लोग मोबाइल्स में इनिशियल फेज में घुसे और बिजनेस किया दे आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ इंटरनेट AI ये सारी चीजें हमारी नजरों के सामने हैं जहां से लोगों ने ये किया तो अल्टीमेटली फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में हमको पता चला कि दैट इज अ वर्ड कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक और उसको यूटिलाइज करना चाहिए उसको एनकैश करना चाहिए उसको हमारे सोचना चाहिए दैट वाज द थिंग दैट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट एंड द मेन एंड द थर्ड थिंग वाज कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो दैट वर्क्स विद अ टीम तो टीम वर्क के बारे में हमको उन सक्सेस सेमिनार से पता चला कि नो वन कैन बी रीच नो वन कैन बी इनटू पावर विदाउट अ टीम तो ये तीन चीजें जो हमको समझ में आई कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो फिर पता चला फ्यूचरिस्टिक
चीजों में डील करना चाहिए और पता चला कि टीम बना के वर्क करना चाहिए। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को 2005 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 2012 में वी लॉन्च अवर रियल एस्टेट कंपनी। 2016 वी वेंट टू फ्यूचरिस्टिक डेवलपिंग एरियाज आल्सो। तो ये सारी चीजें हुई करते 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 2020 कोविड आया। मेनी पीपल वर फेसिंग क्रूशियल मोमेंट्स इन कोविड एरिया। हमने कभी तरह बिजनेसमैन को भी देखा, they were struggling. क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? Because they didn't have team, they didn't have that futuristic idea, diversified incomes नहीं थी। और वहाँ पे हमको एक आइडिया आया कि why not to have summits like this? तो 21-22 में we did our summit 1 and there was a huge grand success, 150 lakhs were there और उनका बहुत अच्छा collaboration हमारे साथ हुआ 2021-22 में। 22-23 we did summit 2 and this is yet another summit, the summit 3. यहाँ पे भी बहुत सारी बातें होगी। तो बिफोर आई गो अहेड विद द होल कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट माय पार्टनर एंड माय फ्रेंड कौशल भाई। ही विल चेंज एट लोकल जागरी अपनी चार पांच स्किन चालू रही जाती है दौले राजेंद्र स्किन से અને દરેક વસ્તુને આપણે બે રીતે વેચીએ। જે કૌશલ્ય બહુ સરસ વાત કરી કે મિથ છે કે મારી પાસે લાખો કરોડો રૂપિયા હોય તો જ હું લેન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકું। હેવ યુ હર્ડ કે 7000 રૂપિયા ભરીને લેન્ડના માલિક બની શકાય? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? હા, અમે કહીએ છીએ કેમ, બીકોઝ વી આર વર્કિંગ મોર ઓર લેસ ઓન આર SIP મોડલ, real estate systematic investment plan. 2016 while it was a very new concept introduced by government discount, we are lucky and fortunate ki hame log ko inhe bahut vekti ne bahut saras ke inhe develop kari shakya. So our SIP real estate systematic investment plan thi matra 7000 rupiya na investment thi pan apne plot na owner bani shakye ane equally distributed EMI ma apne 100 mahina na EMI 80 mahina na EMI ma we can become a land owner. તો જ્યારે પહેલો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરીએ 7000 રૂપિયાનો ત્યારે આપણને એવું કહેવામાં આવે કે હા ક્યાંક લેન્ડ છે એમાં તમને એક પ્લોટ મળી જશે, તો ઇઝ ઇટ ગુડ? નો, પણ એવું કહેવામાં આવે કે આ લેન્ડ છે એમાં આ નંબરનો પ્લોટ છે એ તમારા નામે આજથી થઈ જાય છે ભલે તમે 7000 રૂપિયા ભરે છે, તો ઇઝ ઇટ ગુડ? યસ. સો વાઇબ્રન્ટ રિસ્પોન્સની આજ ખૂબી છે કે જ્યારે પણ તમે ખાલી 7000 નો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરો છો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ યુ ગેટ ધેટ થિંગ, તમને એક ફાઇલ મળે છે જેમાં બુકિંગ એગ્રીમેન્ટ હોય છે જેમાં તમારો પ્લોટનો નંબર પ્લોટની સ્કીમ એવરીથિંગ ઇઝ મેન્શન, એટલે ક્યાંય પણ ડાઉટ નહીં, તમને ત્યારે લઈ જવા ત્યાંથી દેખાડવામાં આવે છે કે ધીસ ઇઝ યોર પ્લોટ, તમે તમારું નામ જેવી લટકાવવું હોય તો લટકાવી પણ શકો છો, દેટ ઇઝ વોટ વી ડુ. યસ સો, અને આજે ફ્યુચરિસ્ટિક લેન્ડના જે ડેવલપમેન્ટ થયા 2012 અત્યાર સુધીમાં વી ઓબ્ઝર્વ લાઈક 200-400-400% સુધીના રિટર્ન્સ પણ જોઈ રહ્યા છે. 3000 રૂપિયા વારથી જે સિનેરિયો શરૂ થયેલો 2016માં લોથલમાં આજે 8000 રૂપિયા વાર જમીન ત્યાં વેચાઈ ગઈ છે. હજી તો 5000 કરોડનો પ્રોજેક્ટનો પહેલો ફેઝ માત્ર કમ્પ્લીટ થયો છે, પબ્લિકલી ઓપન પણ નથી થયો. જ્યારે પબ્લિકલી પહેલો ફેઝ ઓપન થશે ત્યારે આમ આખો સિનેરિયો વિલ બી વેરી ડિફરન્ટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ફ્યુચરિસ્ટિક. લોકોને અહીંયા બેઠા કદાચ અત્યારે લાગે કે યાર ફ્યુચરિસ્ટિક 5 વર્ષ સુધી 7 વર્ષ સુધી, બટ યસ ધેટ વિલ ફેચ યુ અ હેન્ડસમ અમાઉન્ટ. નેક્સ્ટ, સેકન્ડ અવર જેમ લેન્ડમાં આપણે પ્લોટિંગનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, તો સેકન્ડ ઇઝ વિલાસ. આપણા ઓલરેડી અત્યારે 14 વિલાસ તૈયાર છે. વિલાની ખૂબી છે સ્ટુડિયો રૂમ છે, 1 બેડરૂમ રૂમ છે. નેક્સ્ટ, જેમ મેં કીધું SIP આપણે 100 વારથી ફોર્મ શરૂ કરી છે, SIP થી સ્ટાર્ટ કરી છે. નેક્સ્ટ, એવી જ રીતે બંગલો. નાઉ આપણી પાસે બંગલો હોય, આપણે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરીએ 12 મહિનાના ઇક્વેલિટી ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં, 12 મહિનામાં આપણા બંગલોના પૈસા પૂરા થાય, આપણે એને એન્જોય બી કરી શકીએ અને સાથે 5 વર્ષનું રેન્ટ આપણને મળે, ઇઝ ઇટ ગુડ? તો યસ, અમારું ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રી જોડે વી આર ઓલરેડી ટાઈડ અપ. તમે જે બંગલો ખરીદો છો 20 લાખ રૂપિયામાં, વી આર સેલિંગ ધ વિલા ડેવલપ નાઉ. હવે 20 લાખના વિલા જે અત્યારે સેલ થશે એના પર 5 વર્ષ સુધી
7,500 नो रेंट कंदमर से हिंदी में सबटाइटल. सो अगर हम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड वी आर बिकमिंग ओनर ऑफ अ बंगलो, उसके ऊपर 5 साल तक 7,500 रुपए का रेंट फिक्स्ड हमको मिलता है, प्रॉपर्टी हमारी है एंड गवर्नमेंट ने उसको रिकवर किया. सो व्हेन यू आर परचेसिंग योर प्रॉपर्टी, आप पहले दिन से ही रेंट के हकदार हो जाते हो विदाउट गोइंग इनटू एनी हैसल्स. आपको भाड़वा ढूंढने के लिए नहीं जाना है और कुछ नहीं करना है, सीधा आपके तो 4-5 years. अब 5 साल के बाद ये 20 लाख के बंगलों की इलाज की कॉस्टिंग ऑब्वियसली बढ़ने वाली है. सो द रेंट यू अर्न इज अर्निंग एंड अगेन वो जो पैसा बनेगा जो एप्रिसिएशन मिलेगा दैट इज ऑल योर्स. सो दिस इज हाउ विला प्रोजेक्ट इज रनिंग. सो लोथल में वी हैव गॉट अपोलो मल्लक जैमगढ़ी वी हैव डेवलपर बच्चन म्यूजियम, कुछ लोग गए हुए हैं यहाँ से. अगर जो लोग जाना चाहते हैं यू मस्ट विजिट इट. देयर इज अ बच्चन म्यूजियम, देयर इज अ बच्चन का एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाया हुआ है बिकॉज कौशलबेन की हाइट हमने देख ली 6 फुट. ही इज अ वेरी हाई आर्ट काइंड ऑफ बच्चन और शायद बच्चन भी आगे जाके बच्चन भी इनके फैन हो जाने वाले हैं क्योंकि इनकी वीडियोस उनके पास भी पहुंच चुकी है. और लकी है बहुत इंटरेस्टिंग भी आपने मतलब जब खड़ा किया तो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टर कौन था. तो फर्स्ट प्लॉट का जो दस्तावेज हुआ दैट वाज इन द नेम ऑफ अमिताभ बच्चन. यस एंड वी हैव सेंट इन दैट दस्तावेज, उनके पास है आज के दिन. सो द डायग्राम ऑफ बच्चन, तो वहां पे बच्चन की थीम पे बहुत सारी चीजें, यू कैन विजिट देयर, यू कैन हैव अ स्टे ओवर देयर. वहां पे विलास रेडी है नॉमिनल रेट्स में रेंट में, अब तो मिल जाता है बिकॉज गवर्नमेंट के साथ उनका टाई अप है. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड. हमने जो बिजनेस 2012 से अब तक किया, देर आर 1200 प्लस इन्वेस्टर्स विद अस इन दिस ऑल एरिया लाइक अहमदाबाद, गांधीनगर, कठौड़ा, ये सारी चीजें गुजरात के अंदर, गंदेरार, सतेंद्रसिस, भैंसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान में, मुथुकुलम, केरला. सो देर आर पीपल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूएस से भी इन्वेस्ट किया है. आई मीन टेल द गुड थिंग अबाउट इट. ऑस्ट्रेलिया में हमारे इन्वेस्टर जो अहमदाबाद के हैं उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है. नाउ हाउ द थिंग्स हैपन, एक इन्वेस्टर हमारे अहमदाबाद में है, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, उनका एक कलीग केरला का है जो कभी गुजरात में नहीं आया, दे आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया में पिछले 5 साल से नहीं आया बट इन्वेस्टेड इन टू आवर प्लॉट्स एट द रेट ऑफ 4,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड. आज उनकी प्लॉट की कीमत हो चुकी है 8,000 रुपया. वो पिछले 5 साल में कभी भी इंडिया नहीं आए. सो केरला रिसाइडिंग एट ऑस्ट्रेलिया टेकिंग प्लॉट इन लोथल विथ वाइब्रेंट डिस्कॉम और उसका एप्रिसिएशन हुआ. अभी तो उनका SIV भी खत्म होने को आ रहा है. सो दिस इज वॉट इज वाइब्रेंट डिस्कॉम ऑल अबाउट. उसके लिए क्या जोरदार तालियां हो सकती है. थैंक यू सर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट रोकाण. तो रोकाण आ रही लोग रोकाण कर रहे थे लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने ROI बढ़े सड़म सड़ू, दैट इज अवर प्राइमरी नीड के भी हम लोगों को कमा के देंगे तो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे. 1 लाख लोग तभी वहाँ पे बैठ पाएंगे कि आज इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप होगा एंड दे विल ब्रिंग देयर पीपल. दिस इज हाउ ऑल इन्वेस्टमेंट वर्क्स. रोकाण नहीं मजा. जब मैं पहला कह दूँ कि आपने रोकाण तो करी दिए थे અને પછી આપણે એમ થયું કે આપણી કોઈ જગ્યા જેને આપણે એન્જોય કરી શકીએ. નિરેશ આપણે પ્લોટ લીયા, પ્લોટ લઈને એક વાર આપણે કન્સ્ટ્રક્શન કરવા પડે હોસ્પિટલ. અબ કન્સ્ટ્રક્શન મેં 20-25-50 લાખ રૂપિયા લગ જાયંગે. કન્સ્ટ્રક્શન કરને કે બાદ ભી યુ નીડ સમ એમિનિટીઝ લાઈક સ્વિમિંગ પૂલ હો યા બોક્સ ક્રિકેટ હો, કુછ એસી ચીઝે હો તો હમ લોગ એન્જોય કર પાએંગે. તો યે સબ ખર્ચા ભી લગેગા બટ વિથ વાઇબ્રન્ટ ડિસ્કોમ નો, બીકોઝ વી હેવ ડેવલપ ધીસ વાઇબ્રન્ટ લવ એન્ડ રિસોર્ટ્સ. जो हमारा खुद का रिसोर्ट है जहाँ पे स्विमिंग पूल, बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, विलास, एवरीथिंग, फोटोशूट एरियाज, टीवी रूम, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, एवरीथिंग इज देयर. या देख सकते हो दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द थिंग. ये वो 3D वाला पिक्चर नहीं है, इट्स अ ओरिजिनल पिक्चर. तो जब आप वाइब्रेंट डिस्कॉम के साथ एक प्लॉट लेते हो कितने से मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट है, 7,000 रुपये से भी अगर आपने बिजनेस अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आपने प्लॉट होल्डर बने, तो यू गेट दिस क्लब मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री अलोंग विद दैट प्लॉट.
आपको अपने प्लॉट का जो एप्रिशिएशन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, बट रोकाण नो रोकाण थी गया पछी रोकाण नी मजा आ क्लबमा जी ने तमे करी सको. एंड नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव अवर ओन फार्म हाउसेस. जैसे मैंने बताया यहाँ पे मेनी ऑफ द पीपल दे हैव स्टेड देयर. जो लोग शाम को 7-6-7 बजे जाते हैं बोल के जाते हैं कि हम लोग रात को 9 बजे वापस आ जाएंगे, वो वहां से निकल नहीं पाते क्योंकि एरेना इतना बढ़िया है, बिल्कुल नेचर के करीब है. ऑल टुगेदर ये हसल पसल से दूर है, जो यहाँ की जो होती है अर्बन हसल पसल से दूर, नेचर के नजदीक, कल्चरल वहां पे कोई भी नेगेटिव चीजों को एंट्री नहीं है. सो पीपल लव देयर, अपने फैमिलीज के साथ जाते हैं, दे हैव अ नाइट स्टे. वहां पे फार्म स्टे का बेनिफिट मिलता है, वहां पे पॉजिटिव जंगल है, वहां पे क्लब बनाई हुई है, तो यू कैन एंजॉय एवरीथिंग. और हमारे साथ जो खुड़ भाई यहाँ पे है, और कटू भाई के हाथ का अगर आपने गुजराती राजस्थानी खाना नहीं खाया तो जिंदगी में कुछ नहीं खाया. तो बाजरे का रोटला है, हाँ कटू भाई पीछे है, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए. वो हमारा आधार स्तंभ है वहाँ का. खोड़ू भाई, कटू भाई, गणपत भाई, एवरीवन, तो वो लोग वहाँ का पूरा डेवलपमेंट संभालते हैं. फार्म स्टे में दे गिव यू वेरी वेल हॉस्पिटैलिटी, और वैसे भी गाँव की हॉस्पिटैलिटी हम शहर वालों से तो बखूबी होती है, बहुत लाख गुना बेहतर होती है. तो देयर सर्व यू लाइक फैमिली मेंबर्स, और उनके हाथ का खाना तो लोग, तो दिस इज व्हाट रुकान तो रुकान पछी रुकान नी मजा नी बात छे. तो तमे पण हमारे साथे एज अ इन्वेस्टर जोड़ाई, एज अ प्रमोटर जोड़ाई, एज अ बिजनेस पार्टनर जोड़ाई, आ रुकान नी रुकान ने रुकान नी मजा ने एन्जॉय करी शको छो. नेक्स्ट मजा नी कमाई. હવે જે રિયલ ટોપિક છે રોકાણનો, રોકાણને રોકાણની મજા તો થઈ ગઈ, પણ અલ્ટિમેટલી ધીસ ઇઝ અ સમિટ. આપણે બધા ભેગા થયા છે ટુ નો અબાઉટ વોટ આર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આસ્પેક્ટ્સ, વોટ આર ધ બિઝનેસ આસ્પેક્ટ્સ,